तो गाइस ये वीडियो आप पूरी देखना, जरा सी भी स्किप मत करना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या बोला और मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, मुझे क्यों जरूरत पड़ी 10 दिन, वो 10 मिलियन व्यूज 90 दिनों में पूरे करने की। तो आप शुरू से लेके आखिर तक ये वीडियो देखोगे तभी आपके समझ में आएगी, वरना आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिनिक्री स्टूडियो 2.0। तो गाइस आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं वीडियो क्यों और किस लिए बना रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगी। तो गाइस ये वीडियो मैं क्यों और किस लिए बना रहा हूँ तो ये बता दूँ, 10 मिलियन व्यूज का टारगेट मैंने 90 दिनों में लिया है, और ये क्यों और किस कारण लिया है ये मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सबसे कहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो गाइस चलो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो इस प्रकार से है कि मैंने 10 मिलियन व्यूज़ का टारगेट क्यों लिया है 90 दिनों में, कि मुझे 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज़ पूरे करने हैं अपने चैनल पर। तो इसकी क्या वजह है और क्यों मैंने लिया है। मेरा तो चैनल ठीक चल रहा है, आप देख रहे हो, मगर मैंने ये क्यों लिया है 90 दिनों में मुझे 10 मिलियन व्यूज करने हैं अपने चैनल पर, और क्या वजह हो सकती है जो मैंने ये टारगेट लिया है। तो गाइस मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मैं लगभग लगभग 2 साल से मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, और इससे पहले मेरे काफ़ी सारे चैनल थे जो अब नहीं हैं, जो बंद हो चुके हैं। एक इससे पहला चैनल था मेरा बिनिक्री स्टूडियो 2.1। तो गाइस वो मेरा चैनल बंद हो चुका है, उससे 4,000 सब्सक्राइबर थे मेरे, 4,700 सब्सक्राइबर थे। तो वो मेरा चैनल पिछले साल ही बंद कर दिया गया था, मोनेटाइज होने वाला था, और ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था उस चैनल पर, तुरंत वीडियो डालता था, तुरंत वायरल होती थी। और जब वो बंद हो गया मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की, मगर वो मेरा चैनल नहीं वापस आ पाया, बड़ा दुख हुआ मुझे उस टाइम। तो फिर मैंने गाइस कभी हार नहीं मानी, ना मैं मानता हूँ। तो जब मैंने हार नहीं मानी तो मैंने दोबारा एक चैनल बनाया था, ये वाला जो आप देख रहे हो, जिससे मैं आप ये वीडियो अपलोड करूँगा बिनिक्री स्टूडियो 2.0। तो गाइस ये चैनल बनाया था, ये भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा था, बढ़िया चल रहा था, ये मोनेटाइज हो भी चुका था, और ये व्यूज कंटेंट्स की वजह से डीमोनेटाइज कर दिया गया है। तो गाइस जब कर दिया गया तो इस पर व्यूज कंटेंट्स का मतलब ये है कि मेरे इससे पहले 2 चैनल और थे, और मेरी काफ़ी सारी वीडियो उन चैनलों पे भी पड़ी थी गाइस, और जो कि एक इससे पहले बिनितगिरी के नाम से था, और एक बिनितगिरी बिजनौरी के नाम से था, बिनितगिरी आर्य बिजनौरी के नाम से था। क्योंकि ये चल रहा था मैंने सोचा, मुझे मालूम नहीं था कि मैं इस चैनल पर वीडियो डालता हूँ या इस चैनल पर डालता हूँ कि इस पर ये दिक्कत आ सकती है व्यूज कंटेंट की। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं डालता रहा वीडियो, उस पर भी ये भी चल रहा था, ये मोनेटाइज हो चुका था, अभी पीछे 3 महीने पहले मोनेटाइज हुआ था गाइस, बहुत मेहनत की थी मैंने मोनेटाइज करने की। तो ये मोनेटाइज हो भी चुका था, और इस पर लगभग लगभग $60 बन भी चुके थे। तो गाइस ये बीच में उस पर कुछ वीडियो पड़ी थी कुछ इधर उधर से। और हाँ एक बात और बताऊँ मैं आपको, कभी भी आप अपने चैनल पे जो गलती मैंने की है वो गलती आप मत करना गाइस, कभी भी दूसरों की वीडियो उठाकर अपने चैनल पर नहीं डालनी है गाइस, मेरी ये सबसे बड़ी भूल थी गाइस। वो जो चैनल था उस पर मैंने, जो पहला वाला चैनल था उस पर मैंने ये गलती नहीं की थी गाइस, वो तो किसी वजह से या किसी ने हैक कर लिया था, जो वो तो ख़त्म ही हो गया गाइस, ना कोई वो डीमोनिटाइज हुआ ना कुछ, वो तो डायरेक्ट ही ख़त्म हो गया गाइस। तो ये डीमोनिटाइज हुआ है, तो कभी भी आप दूसरों की वीडियो ना डालें अपने चैनल पे। अधिकांश शॉर्ट वीडियो से रिव्यूज कंटेंट्स आता है गाइस, तो यही गलती मैंने की, मैंने एक दो वीडियो उठा के डाल दी थी। वैसे मैं किसी ऐसी वीडियो डालता नहीं हूँ, बस सोचा जब कुछ काम नहीं कर रहा था, हर बंदे को लगता है कि आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया कोई बात नहीं, कल को बना लेंगे वीडियो, आज दूसरे की उठा के डाल दें। तो वही गलती गाइस मैंने की, मैंने दूसरों की वीडियो हटा के अपने चैनल पर डाली, अच्छा खासा चैनल चल रहा था मेरा, मैंने सोचा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, पता नहीं था यूट्यूब की
इतनी बातें हैं जो गाइस हमें नहीं पता, आपको नहीं पता था। यही मैं अपना जो अपने आप बीती है मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप ये गलती ना करें। तो गाइस इसीलिए मैंने, जब मेरा चैनल डीमोनिटाइज हो गया था, इसीलिए मैंने अब टारगेट लिया है 10 मिलियन व्यूज करने का, वो भी 90 दिनों में। अब ये तो मुझे पता नहीं 10 मिलियन व्यूज कब होंगे, कैसे होंगे, मगर मैंने आप लोगों के भरोसे ये टारगेट लिया है गाइस। अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो, जो मेरा टारगेट है 10 मिलियन व्यूज का पूरा करने का, तो वो आप कर सकते हो गाइस, और मैं भी मेहनत करूंगा। तो गाइस मैंने इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोचा कि मैंने आपको बता दूं कि हमें क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए। एक तो गाइस दूसरे की वीडियो बिल्कुल नहीं डालनी, चाहे आपका चैनल चले या ना चले, उस पर सिर्फ अगर डालना है तो अपना ही कंटेंट डालें या अपनी ही कुछ वीडियो डालें, चाहे कैसी भी हो वो। दूसरों की वीडियो नहीं डालनी, अगर डालनी है तो आपको एडिटिंग आनी चाहिए अच्छी, बढ़िया करके एडिटिंग आनी चाहिए, जो कि आप कर सकते हो कि हाँ उससे ये नहीं लगे कि हाँ ये दूसरे की वीडियो है, उसमें अपना कुछ दिखाएं, और अधिकांश ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ में या अपनी वॉइस में अपना फेस जरूर दिखाएं वीडियो में, तो ही गाइस आपका चैनल चल सकता है, अच्छा रहेगा। ना आपके चैनल पर डीमोनेटाइज होएगा, ना उस पर कोई कॉपीराइट आएगा, ना गाइस कोई आपके चैनल को वो कर वो क्या बोलते हैं, कोई कॉपीराइट का समस्या नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस। ये मैं लिख कर दूंगा, आप दे सकता हूँ आपको। अगर ये गलती अगर मैं नहीं कर रहा आज, तो मुझे ये नहीं पता होता। मैंने ये गलती करके मुझे बहुत सबक मिला, इसीलिए ये गलती मत करना जो मैंने की। तो इसलिए मैंने दोबारा टारगेट लिया है कि 90 दिनों में मुझे 10 मिलियन व्यूज़ करने ही हैं, कैसे भी करूं अपनी मेहनत जारी रखूंगा। और आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए, प्यार चाहिए, जो आपने मुझे पहले प्यार किया दिया अपना, वही प्यार मुझे दोबारा चाहिए। क्योंकि मुझे 90 दिनों में ये पॉसिबल है, मैंने तो 90 दिन का ही टारगेट मांगा है आपसे। ये आपके हाथ में है, ये मुझे टारगेट कि आप मुझे 90 दिन में कर सकते हो या 50 दिन में कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। 10 दिन में ये टारगेट पूरा हो सकता है, 20 दिन में हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है, 25, 50, 90 दिन से पहले भी हो सकता है गाइस ये टारगेट। तो गाइस मैंने तो ये टारगेट ले लिया है, ठान ली है मैंने ये बात कि मुझे ये टारगेट पूरा करना है, कैसे भी करना है। बस दूसरे का कंटेंट नहीं डालूंगा मैं, अगर डालूंगा भी तो अपनी आवाज़ में उसे एडिट करके डालूंगा। पहली बार तो मुझे दूसरे का डालना ही नहीं है गाइस, ये मैं अब दिमाग से निकाल लूंगा कि मुझे दूसरे का डालना ही है, अपना ही डालूंगा, कुछ भी डालूं। तो यही बात मैं आपसे कहूंगा गाइस, आपको ही अपना ही डालना है, दूसरे का बिल्कुल नहीं डालना, ये बात आप गांठ बांध लीजिए। तो इसीलिए मैंने ये टारगेट लिया है 10 मिलियन व्यूज 90 दिनों में मुझे पूरे करने हैं। तो गाइस इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना के अपने दोस्तों से शेयर कर दूँ। तो गाइस ये वीडियो यही है, और गाइस बस आप मेरे पे अपना प्यार और सपोर्ट करते रहें, यही मुझे आपसे चाहिए। और हाँ गाइस, एक चैनल चलते चलते मैं बता दूँ, एक चैनल मैंने और बनाया है विनीत9रिएक्शन के नाम से, तो आप वहाँ पे भी जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं और मुझे सब्सक्राइबर भी कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मुझे अपना प्यार भी दे सकते हैं गाइस। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अब बीच बीच में मैं आपसे मिलता भी रहूँगा, ठीक है गाइस, आता रहूँगा मैं आपसे बातचीत करने के लिए, कुछ नया ही लाऊंगा आपके लिए, जैसे मैं आज लाया हूँ। आज पहली बार मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है गाइस, मैंने वरना मैं नहीं बनाता, क्योंकि मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जो मेरे ऊपर पीता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बता दूँ। तो गाइस मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगेगी, थोड़ी बहुत जो भी कुछ भी बात लगे अच्छी, तो उसको आप ध्यान से सुनना और वीडियो पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा गाइस, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो वीडियो ये पूरा देखना, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगे, और आप इस वीडियो को शेयर भी करें, और अच्छी लगे तो एक लाइक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।